राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाई थी बरसाने की फेमस लठमार होली। तो अपनी ब्रज यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको लेकर चलता हूँ बरसाने के फेमस कीर्ति मंदिर में और आपको दिखाऊंगा यहाँ पर हर साल होने वाले रंगोत्सव कार्यक्रम को। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये दोनों जगह मैंने फेमस लठमार होली देखने से पहले विजिट की थी, क्योंकि राधा जी के दर्शन हमने दोपहर में ही कर लिए थे। नहीं समझे तो इसको समझने के लिए आपको देखने होंगे इस वीडियो के पहले दो पार्ट, क्योंकि हमारे पास समय था तो हमने उस समय में देख ली ये बरसाने की दो फेमस जगह। तो मैं आपको भी दिखाता हूं। दोस्तों, ये जो रंगोत्सव का कार्यक्रम है, ये रंगीली गली से कुछ ही दूरी पर एक इंटर कॉलेज में आयोजित किया जाता है। जिसमें श्री कृष्ण की भव्य झांकियां और रासलीला भी आपको देखने के लिए मिलेगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है, कितने लोग इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। दोस्तों, ये कार्यक्रम हर साल इसी जगह आयोजित किया जाता है। काफी देर इस कार्यक्रम में बिताने के बाद अब हम निकल रहे हैं कीर्ति मंदिर के लिए। यहाँ से मात्र 5 मिनट की दूरी पर स्थित है। यहाँ का जो माहौल था वो खुशियों से भरा हुआ था। लोग नाच रहे थे, हवा में रंग बिखर रहा था। और इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं बरसाने के पावन स्थान कीर्ति मंदिर में। दोस्तों, कीर्ति मंदिर बरसाने का एक खास मंदिर है जो देवी राधा और उनकी मां को समर्पित है। वैसे तो ब्रज में आपको काफी सारे राधा रानी के मंदिर देखने के लिए मिल जाएंगे, पर बात है होली की। हम आए हुए हैं बरसाना में, और बरसाना में आने के बाद आपको इस मंदिर में जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये मंदिर रंगीली गली से कुछ ही दूरी पर स्थित है। और ये एक लौता ऐसा मंदिर है जहां पर राधा रानी अपनी माँ की गोद में बैठी हुई है। Thank you.
ये पूरा मंदिर 13,200 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और इस मंदिर के गुंबद में 25 सोने की कलश लगे हुए हैं। इस मंदिर के प्रांगण में आपको काफी सारी झांकियां देखने के लिए मिलेंगी जिनको देखकर एक अद्भुत ही एहसास होता है। तो दोस्तों यहाँ पर काफी समय बिताने के बाद हम बढ़े रंगीली गली की तरफ जहाँ पर पहले से ही शुरू हो चुकी थी फेमस वर्ल्ड की फेमस लठमार होली। हमने होली के अद्भुत पलों को महसूस किया, उसके लिए आपको पिछला व्लॉग देखना होगा। तो दोस्तों अब हो गई थी शाम और हम बढ़ चले थे अपनी अगली मंजिल वृंदावन के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे वृंदावन में, तब तक के लिए राधे राधे।